नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप किसी भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट को कैसे एडिट कर सकते हैं, या फिर उसको आप कैसे एडिटेबल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, या फिर एक वर्ड फाइल बना सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर के और बिना किसी वेबसाइट पे गए हुए। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बहुत ही आसानी से आप ये कर पाएंगे। इसके लिए करना क्या है कि आप बस अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट पे जाइए, जैसे मैं इस पीडीएफ डॉक्यूमेंट पे गया और वहाँ राइट क्लिक कीजिए, फिर वहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा ओपन विथ। ओपन विथ में आप एमएस वर्ड से उसको ओपन कर दें, या फिर डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में जाके आप चूज करें एमएस वर्ड और उसे एमएस वर्ड से ओपन करें। एमएस ऑफिस आप लोगों के लैपटॉप में होगा ही, ज़रूर होगा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट ओपन कीजिए और देखिए ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा एडिटेबल डॉक्यूमेंट में। क्लिक करें ओके, ये देखिए वही डॉक्यूमेंट। देखिए मैं वही डॉक्यूमेंट फिर से आपको दिखाता हूँ, ये रहा मेरा वो डॉक्यूमेंट। इसे मैं अभी पीडीएफ रीडर में ओपन करता हूँ। ये रहा मेरा ओपन डॉक्यूमेंट जो कि अभी एज अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, इसे मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए चाहे मैं कितना भी क्लिक कर रहा हूँ ये एडिट नहीं हो रहा है। और यही मैं जो वर्ड फाइल में खोला हूँ उसे देखिए दिखाता हूँ, वो एडिट हो सकता है। देखिए सेम डॉक्यूमेंट है, यहाँ मैं चाहे तो इसे डिलीट भी कर सकता हूँ यहाँ से। देखिए मैं डिलीट प्रेस करता हूँ और ये डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो गया। इसे आप चाहें तो मूव कर सकते हैं इधर। तो ये रहा बहुत ही आसान तरीका, जिसमें आपको किसी इंटरनेट कनेक्शन का ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी सॉफ्टवेयर का, केवल एमएस ऑफिस आपके लैपटॉप में होगा ही, जिसके ज़रिए आप इसे एडिट कर सकते हैं किसी भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट को और उसे एक वर्ड फाइल में सेव भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है उस पर टैप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अगर आप टैप करते हैं तो मेरे सारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे डायरेक्टली चले जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।